रायगढ़ जिले में कार्यवाही के नाम पर सबसे आगे रहने वाले सरिया पुलिस ने एक बार फिर अपने कामयाबी का लोहा मनवाते हुए 3 युवकों को नशीली सिरप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 26,000 बताई जा रही है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना ओडिशा सीमावर्ती होने के कारण यहां अवैध मादक पदार्थ आवाजाही का जखीरा बन गया है। मुखबिर की सूचना पर सरिया पुलिस ने अपना सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने में अपना मुखबिरी तंत्र को मजबूत कर घेराबंदी करते हुए फिल्मी अंदाज में आरोपी के कार को पीछा किया। अंततः सरिया पुलिस ने रिसोरा के बाजार चौक पर धर दबोचा टाटा टिगोर कार, जिसकी गाड़ी नंबर CG04MM9934 की तलाशी किया गया, जिसमें कोडिंग फास्फेट RC कप सिरप 2018 नग, जिसकी कीमत 26,160 रुपए बताई गई है। साथ ही साथ आरोपी के पास नकदी 37,900 रुपया एवं 3 मोबाइल बरामद किया। आरोपियों ने बरमकेला सरिया डोंगरी पाली अंचल में सिरप खपाने आए थे और सरिया पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। आरोपी अमित महापात्रा पिता त्रिनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी सरायपाली जिला महासमुंद का रहने वाला है। दूसरा आरोपी संजय मिश्रा पिता जहरूलाल उम्र 35 वर्ष ग्राम बाराडोली थाना सरायपाली एवं आसाराम पटेल पिता सुदर्शन पटेल उम्र 27 वर्ष ग्राम बेलटेकरी थाना सिंघोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है और एक आरोपी के पास फर्जी पुलिस परिचय पत्र बरामद हुआ है। इन सभी आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल हमें मुखबिर से सूचना मिला था, एक्चुअली 3-4 दिनों से हम ट्रेस कर रहे थे और पकड़ने की कोशिश में थे। कल एक पक्की खबर मिली कि सरायपाली की तरफ से आते हुए रिशोरा और कंठीपाली क्षेत्र में एक लाल रंग की गाड़ी से 3 लोग ओरेक्स वगैरह बेचने के लिए आ रहे हैं। तो हमने सूचना पर कल लगभग 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ उस एरिया में दबिश दिया और रिशोरा से लेके कंठीपाली के बीच में घेराबंदी किया। घेराबंदी में एक लाल रंग की गाड़ी थी, टाटा की गाड़ी थी, उसमें 3 लोग पकड़ाए और उनके साथ में 218 नग फोरेक्स की सीसी है, RC कप सिरप जो अभी आती है उसकी सीसी पकड़ाई है, उसकी साथ में कैश 37,900 रुपये है और सिरप की मार्केट कीमत लगभग 26,160 रुपये। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।